अलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद। सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि बिहार ज़मीन सर्वे बंद होगा या फिर नहीं बंद होगा। अगर बंद होता है तो फ़ायदा होगा या फिर नुकसान होगा, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूँगा। आपको पता है कि कल एक ऑफिशियल जो है दिलीप जायसवाल साहब की तरफ से अपडेट आई थी, जो बिहार राजस्व एवं भूमि के चेयरमैन हैं। उनका कहना है कि जिन रैयतों के पास जो है कागजात नहीं है, उनको 3 माह का मोहलत मिलेगा, 3 माह का टाइम मिलेगा। यानी कि अगर आपके पास कोई भी कागज़ नहीं है, खतियान नहीं है, केवाला नहीं है, रसीद नहीं है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। 3 माह के अंदर आपको ये सारे कागजात को तैयार कर लेना है और फिर जाके अधिकारियों को आपको जमा कर देना है। टेंशन नहीं लेना, 3 माह का आपको वक्त मिला है। क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी लड़ाई झगड़ा जो है बिहार में शुरू हो चुका है, बिहार ज़मीन सर्वे को लेकर। इसी लड़ाई झगड़ा को बंद करने के लिए जो है कुछ लोग जो है लगातार सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सरकार जो है सर्वे को बंद करे। क्योंकि अगर सर्वे बंद नहीं होगा तो ये लड़ाई झगड़ा और ज़्यादा होती जाएगी। बट आपको समझना है कि क्या इससे नुकसान है या फिर फ़ायदा है। देखिए, आपको पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, अगर अभी आपको लग रहा है कि लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हो रहा है, अभी कुछ नहीं है, यही 5 साल के बाद जो है अगर बिहार ज़मीन सर्वे नहीं होगा तो आने वाले वक्त में और भी लड़ाई झगड़ा होगा। क्योंकि आपको पता है कि अक्सर लोग जो है दूसरे की ज़मीन को अपने अंदर में किए हुए हैं। भाई जो है भाई की ज़मीन को अपने अंदर में किया हुआ, देने का नाम नहीं ले रहे हैं। भाई जो है बहन की ज़मीन को अपने अंदर में किए हुए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने रिश्तेदार की ज़मीन को अंदर में किए हुए हैं। और आपको पता है कि जब बिहार ज़मीन सर्वे होगा, जब आपको कागजात जमा करना होगा, तो सारे की सारी जो ज़मीन है वो बंटवारा हो जाएगी। यानी कि खुद ब खुद ज़मीन जो है बंटवारा हो जाएगी वंशावली जब बनेगी। क्योंकि बाप की ज़मीन है, जब वंशावली बनेगी तो खुद ब खुद जो है ज़मीन जो है बंटवारा हो जाएगी। इसी को लेकर जो हड़कंप मचा हुआ है, काफ़ी ज़िलों से लेकर काफ़ी जगह तक अपडेट निकल कर यही आ रही है कि बिहार ज़मीन सर्वे को बंद किया जाए, सरकार से रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो मैं सभी से, जितने भी हमारे भाई हैं जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप ज़मीन सर्वे का सहयोग करें। क्योंकि अभी ज़मीन का जो रेट है वो हाई है, बट ज़्यादा हाई नहीं है। 5 साल के बाद और हाई हो जाएगा, और जैसे जैसे ज़मीन का रेट हाई होगा लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होगा। अगर अभी सरकार जो है ज़मीन सर्वे कर लेगी, सभी को एक दूसरे को बंटवारा मिल जाएगा, उसके बाद जो है लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो थाना या फिर कोर्ट में केस जाता है वो 80% केस होता है ज़मीन का। यानी कि भाई जो है भाई की ज़मीन को अपने अंदर में किया हुआ, वो केस कर देते हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं। आपको पता है कि काफ़ी जगह पर ये होता है कि लड़ाई झगड़ा में किसी का हाथ, किसी का पैर टूट गया तो किसी को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ जो है ज़मीन को लेकर होती है। तो दिलीप जायसवाल साहब का साफ साफ कहना है कि किसी भी हालत में बिहार ज़मीन को सर्वे को बंद नहीं किया जाएगा। आप सहयोग करें, इस तरीके से सहयोग करें जिस तरीके से कुछ ज़िला में सहयोग किया जा रहा। बट काफ़ी ज़िला ऐसा है जो अपडेट निकल कर आ रही है कि वहाँ के जो अधिकारी जाते हैं तो अधिकारी से लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, अधिकारियों को मारपीट कर देते हैं, कागजात जमा नहीं कर रहे हैं, कागजात होने के बावजूद भी जमा नहीं कर रहे हैं। देखिए, अगर आप जमा नहीं कीजिएगा, अगर टाइम निकल जाएगा तो आपकी जो ज़मीन है वो बिहार सरकार के अंदर में हो जाएगी। क्योंकि बिहार सरकार के पास पावर है, आपके पास पावर नहीं है। कुछ लोगों को लग रहा है जो डर की वजह से ज़मीन जो है जमा कागजात नहीं कर रहे हैं, तो कागजात आप ज़रूर जमा करें और सारे के सारे लोग सहयोग करें ताकि लड़ाई झगड़ा जो है ख़त्म हो, बिहार में शांति आए। आपको पता है कि मध्य प्रदेश का हालत देखिए या फिर महाराष्ट्र की हालत देखिए, जितने भी कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पे बिहार ज़मीन सर्वे हो चुका है और वहाँ पे काफ़ी शांति है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। तो अगर बिहार में भी सर्वे का काम कम्प्लीट हो जाएगा तो इंशाल्लाह जितना भी लड़ाई झगड़ा है सारा का सारा जो काम है
वो ख़त्म हो जाएगा। बट आपको सहयोग करना पड़ेगा, अधिकारियों के साथ आपको टाइम देना पड़ेगा और जो है आपको अपना कागजात जमा करना होगा। अगर आपके पास कागजात नहीं है तो आप बेफिक्र रहें, आपको टेंशन नहीं लेना है, आप जो है अपना कागजात तैयार करें, फिर जाकर जो है आप जमा करें, अधिकारियों को जाकर अपना कागजात दें। तो ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, खास करके बिहार ज़मीन सर्वे को लेकर। काफ़ी लोग जो है अपडेट ये बता रहे हैं कि बिहार ज़मीन सर्वे बंद हो जाएगा। दिलीप जायसवाल साहब का 19 सितंबर को एक इंटरव्यू भी हुआ था, आज तक ने इंटरव्यू लिया था, उसमें भी उन्होंने साफ साफ बताया कि 3 माह का मैंने छूट दिया हूँ, किसी भी हालत में ज़मीन सर्वे बंद नहीं होगा। ज़मीन सर्वे होने से बिहार के पब्लिक को फ़ायदा होगा, ना कि सरकार को फ़ायदा होगा। ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो बिहार के पब्लिक को होगा, क्योंकि बिहार में अगर आपके पास कोई भी कागजात नहीं है तो आप आधार कार्ड से सर्वे करवाएं। यानी कि अगर आपके पास कोई भी कागज़ नहीं रहेगा, आप आधार कार्ड दें, आप अपना पहचान पत्र दें, उसके बाद जो अधिकारी आपके आपके मोहल्ले में आएंगे, आपके ज़मीन के पास आएंगे और आसपास के लोगों से पता करेंगे कि यहाँ पर ये आदमी जो कितने सालों से रह रहे हैं। अगर आप 50 साल 60 साल 70 साल या फिर 20-30 साल से रहते हैं तो आपकी ज़मीन आपकी हो जाएगी, सरकार जो है आपको कागजात बनाकर देगी और आपका जो है पक्का काम हो जाएगा। तो इससे आपका फ़ायदा है, सरकार का फ़ायदा नहीं है। लड़ाई झगड़ा ख़त्म होगा, जो गुंडागिरी जो आपको पता है कि बिहार में ज़्यादा है, वो सारे का सारा जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आप जो है सरकार का सहयोग करें, अधिकारियों का सहयोग करें और जो लोग भी आते हैं उनसे अच्छे सलूक से बात करें और अपना कागजात को जमा करें। क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों का मैसेज भी आता है कि मोहम्मद भाई बिहार ज़मीन सर्वे को बंद होना चाहिए। देखिए, सर्वे बंद होगा तो परेशानी हम और आपको होगी, अदर्स स्टेट वाले को नहीं होगी। अभी आपको लग रहा है कि परेशानी नहीं हो रही, आने वाले वक्त में ज़्यादा परेशानी होगी। जब आपके बच्चे बड़े होंगे, जब आपके माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे, तो उस वक्त जो है ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि ज़मीन को बंटवारा करने में, अभी बंटवारा हो जाएगा तो आपको टेंशन कम होगा, आपका कागजात भी पक्का हो जाएगा। क्योंकि आने वाले वक्त में किसकी सरकार हो, कैसा वक्त हो, तो आपको पता है कि अभी हिंदुस्तान का हालत जो है काफ़ी बुरी है, आने वाले वक्त में और भी बुरी हो सकती है, तो उसमें और भी दिक्कत होगी। अगर आपके पास कागजात पक्के हो जाएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो जितने भी लोग हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इतना ज़्यादा शेयर करें कि हर घर में ये वीडियो जाए, ताकि जो है जितने भी बिहार के लोग हैं बिहार ज़मीन सर्वे का सहयोग करें और बिहार ज़मीन सर्वे आसानी के साथ करवाएं। क्योंकि सरकार ने काफ़ी छूट दिया है, जिनके पास वंशावली, पहले वंशावली कोर्ट से बनती थी, ब्लॉक से बनती थी, अब आपको खुद से बनाना। अगर आपके पास कोई भी कागजात नहीं है, आप आधार कार्ड से करवा लें, यानी कि टेंशन नहीं लेना। तो ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो।